हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग, उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो आपकी क्लासेस प्लान की गई हैं, यानी कि आज पहली क्लास आपकी हो रही है, इसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लास आज आपकी नहीं हो पाई, उसके बाद जो है जीके जीएस की क्लास थी, और ये आपकी मैथ की क्लास, इसके बाद जो है स्टैटिक जीके की क्लास चलेगी। तो देखो, सब कुछ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग अगर बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, जैसा आपको पता होगा पहले से ही खैर, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर बात करें रोल किसका है, ठीक है, तो जीके जीएस आपके आते हैं 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के। ठीक है, और वहीं पे अगर बात करी जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग से आपको देखने को मिल जाएंगे कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का ही होगा। फिर मैथ की बात आ जाएगी, मैथ से आपको 15 सवाल, ठीक है, और इसके बाद आपका आ जाएगा कंप्यूटर, और यहां से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये टोटल आपके 100 प्रश्न हो गए और 100 नंबर हो गए। अब आपके मन में आया होगा कि सर निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 होता है, ठीक है, एक प्रश्न एक नंबर का। तो आप जीके जीएस पे आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और इन दो पे अगर आप ध्यान दोगे, रीजनिंग और मैथ, भाई यहां पे देखो अगर आप सही से पढ़े ना, 40 में से 38-39 प्रश्न आप सही कर ले जाओगे यहां से। ठीक है, यहां पे आप जितना पढ़ेंगे जितना मेहनत करेंगे, लेकिन आप यहां पे क्या कर पाओगे भाई, 40-42 लाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहां इस 40 में से, और कंप्यूटर पे आप ध्यान दे देंगे, 5-6-7 सवाल यहां से बना लिए, यहां पे आप 39, ठीक है। तो इसीलिए मैथ पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है, और आज की क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं, मैं आपको ये जो भी प्रश्न आपको यहां पे दिखाई पड़ेंगे, ये सारे के सारे जो इसके पहले आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है, जस्ट इसके पहले, मतलब ये जो एग्जाम होगा इसके पहले जो पेपर हुआ है उसी के सवाल है। ठीक है, 2-3 पेपरों के, 4-5 पेपरों के मिक्स क्वेश्चन हम लोग रखे हैं यहाँ पे, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, और अब तुरंत आपके मन में आया होगा कि सर चैप्टर वाइज चलेगी कि नहीं, तो चैप्टर भी पढ़ाएंगे। ठीक है, बट पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए और बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, हिमांशु गोस्वामी जी यूपी पुलिस कांस्टेबल की अलग से क्लासेस चलाई गई है, वैसे तो क्लास आप ले सकते हो, बट उसके लिए डेडिकेटेड अलग क्लास चलती है। ठीक है, हाँ, यूपी एग्जाम अभिनय मैथ्स पर चलती है। यहां पे क्या दिया गया है, 6060 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, यदि ए के हिस्से में से 15, बी के हिस्से में से 20 और सी के हिस्से में से 25 कम कर दें तो उनके हिस्से का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। अब देखो, यहां पे आपने देखा अनुपात दिया गया है, और अनुपात का मतलब वो 5:7:8 नहीं होगा, कितना होगा, 5:7:8, ये डाटा है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा, 5:7:8। ठीक है, 5:7:8 इंग्लिश में भी ये आप करेक्ट कर लेना। तो आपसे पूछा गया है सी का मूल हिस्सा कितना होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए, ए के हिस्से में से 15 आपने निकाल दिया, बी के हिस्से में से 20 और सी के हिस्से में से आपने 25 घटा दिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15+20+25 तो 40, 20, 60, यानी कि आपने क्या की, 60 की कमी कर दी, किसमें से, टोटल जो आपके पास पैसे थे 6,060 रुपए, इसमें से आपने क्या किया, 60 रुपए घटा दिया। अब ये जो 6,000 रुपए बचे हैं, ये इनको 5:7:8 के अनुपात में दे दिया गया। बात समझ में आ गया, तो 5, 7, 8 यानी कि टोटल कितना यूनिट हो गया, 15 और 5, ये 20 यूनिट हो गया, यानी कि आपका जो पैसा था, जो डाटा था, वो कितने गुना दिया गया भाई, 20 का देख लो, 300 गुना दिया गया है ना। अब देखो, हम सबकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमसे जिसका पूछा गया उसी पे कैलकुलेट करेंगे। हमसे पूछा गया सी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है, तो ये आपका 8×300, ठीक है, बट हमसे क्या पूछा गया, मूल हिस्सा बताइए ना, ये जो पैसा सी का आया है ये कब का है, जब आपने उसके हिस्से में से 25 रुपए की कमी की है, तो इसमें आपको 25 और ऐड कराना था, तो आपका आंसर कितना आ जाता, 2425। लेकिन देखो, पेपर में 2400 ऑप्शन में नहीं दिया गया,
भाई अगर आपके क्वेश्चन में 2400 दिया गया होता ऑप्शन में, तब वहां पे कठिनाई हो सकती थी, बट क्योंकि ऑप्शन में नहीं था, आप थोड़ा परेशान होते, एक आध बार सवाल और पढ़ते तो आंसर सही बता देते, ठीक है। हाँ, अगर 2400 होता तो मैं ये कहता कि ये सवाल एग्जाम में कई लोगों ने गलत किया रहा होगा। यहां तक क्लियर है? मूव किया जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यहां पे क्या दिया गया है, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार की वर्गाकार टाइल्स को लगाया जाना है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा अधिकतम कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, तो कैलकुलेट करके बताएं। अब देखो यहां पे क्या होगा, अधिकतम टाइल्स की संख्या आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो टाइल्स है वो क्या है, वर्गाकार है, ठीक है। जो टाइल्स है वो वर्गाकार है, यानी कि आपका हो गया 3 मीटर 50 सेंटीमीटर और ये आपका दिया गया है 4 मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 350 सेंटीमीटर और ये हमारा आ जाएगा 400 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन दोनों का जब आप HCF लोगे तो कितना आ जाएगा भाई, HCF आ जाएगा 50। अब लेकिन ध्यान से समझना, हमने क्या किया, 50 सेंटीमीटर का यहां पे ये पता मतलब क्वेश्चन जो बनता है आपका, संभावित रूप से अधिकतम आकार वाली, यहां पे क्या होगा, अधिकतम आकार वाली कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। या फिर आप कहें कि अधिकतम लंबाई वाली, अधिकतम लंबाई वाली, आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, ठीक है। या अगर देखो ऐसा ही सवाल पेपर में लिखा गया रहा होगा तो वहां पे भी जो है लैंग्वेज में करेक्शन रहा होगा, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा अधिकतम कितनी टाइल्स लगाई जा सकती है, तो मैं आपसे कहूंगा भैया हम लोग क्या करते हैं, 1 वर्ग सेंटीमीटर वाला लगाते हैं ना, छोटी छोटी टाइल्स लगाते हैं, तो आप इसका और इसका गुणा कराओगे, बात समझ रहे हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, क्वेश्चन में आपका ये रहा होगा, इसका मतलब ये होता है कि अधिकतम आकार या फिर बड़े से बड़ी टाइल्स आपको लगानी है, तो आपसे पूछा जा रहा कितनी टाइल्स लगेगी। तो इन दोनों का HCF कितना हो गया, 50 हो गया, और ये 50 क्या होगा, जो आपकी टाइल्स है वर्गाकार उसकी भुजा हो गई, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दोनों में आप क्या करते हैं 50 का भाग लगा देते हैं भाई, 350 गुणे 400 और इसमें 50 गुणे 50 का भाग लगाएंगे। इसका रीजन क्या है, देखिए हमने एरिया बराबर किया है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा 50 का वर्ग, क्योंकि ये एक वर्गाकार टाइल्स है, इंटू एन, मान लिया एन टाइल्स है, और जहां पर आपको टाइल्स लगाना उसका एरिया आ गया 350 गुणे 400। तो 50 से आप डिवाइड करेंगे, यह आपका 8 हो जाएगा, 50 से डिवाइड करोगे 7 हो जाएगा, और 7 गुणे 8 यानी कि 56 क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। यहां पे क्या दिया गया है, एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपए है, उसे 18% छूट पर बेचा गया है, यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य क्या है, बताइए। यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य क्या है, कैलकुलेट करके बताएं। आपसे क्या बोला गया है भाई, 18% का डिस्काउंट देकर बेचा जाता है फिर भी उसको प्रॉफिट हो जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो, ठीक है। अगर डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होता है, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस हो जाएगा आपका 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज। ये दोनों क्लियर हो गया, सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया, ठीक है। तो बोला गया 18% डिस्काउंट पर बेचता है, 18% का डिस्काउंट दिया गया यानी कि 100 माइनस का 18 हो जाएगा, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 14 का, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 100 प्लस का 14, ठीक है।
अब आप कैलकुलेट कर लो, ये आपका कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा और ये आपका 114 आ जाएगा। एक वैल्यू आपसे बताई गई है, दूसरी आपसे पूछी जा रही है। यहां पे आपको क्या बताया गया है, 1824 रुपए इसका आपको मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य बताया गया। देखिए आप देखो, अगर ये कुछ डिवाइड वगैरह हो रहा तो थोड़ा सा भाग लगा के इसे छोटा भी किया जा सकता है, बट बहुत ज्यादा डिवाइड भी नहीं हो रहा तो इतना ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधा हम देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, 1824 दिया गया है। देखिए 114 से जाएगा ये एक बार, अब इसके बाद ये एक बार नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक चार का मिलेगा जब आपको चार का गुणा कराना हो, या तो एक का गुणा हो या तो छह का गुणा हो। तो यहां पे क्या होगा, ये 16 टाइम्स दिया गया है यानी कि 16 गुना दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे क्रय मूल्य क्या होगा, ये भी आपका 82 यूनिट ना होकर ठीक है 16 गुना हो जाएगा। आप गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ गया है। देखो एक तो हमें क्लियर हो गया कि इकाई का अंक दो आएगा और हमारा आंसर आठ का मल्टीपल होगा। तो देखिए क्या ये आठ से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल आठ से डिवाइड है। क्या ये आठ से डिवाइड हो रहा है बताइए, 520 क्या 8 से डिवाइड है, 480, हाँ ये भी मतलब डिवाइड है। तो कुछ और तरीका आप लगा लीजिए, देखते हैं ये वैसे क्या होगा। ये 1600 से बहुत ज्यादा कम है तो मुझे लगता है 1312 ही आएगा गुणा कराने में, बाकी आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16 × 2 और कैरी हो गया आपका 3 और 16 × 8 आपका कितना हो जाएगा, 128 और जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 131 यानी कि 1312 क्या होगा, 1312 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, बताया गया था अंकित मूल्य इतना है ठीक है और जो कंडीशन दी गई थी उसके हिसाब से आपसे क्रय मूल्य पूछा गया था। तो हमने सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आ गया, 82:114 आ गया। 82 यूनिट की वैल्यू ये है, 114 यूनिट की वैल्यू दी गई थी, 82 यूनिट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। देखिए ऐसा था ना, मतलब जैसे जो लोग कह रहे हैं कि मतलब क्लास उधर भी चल रही है भाई, ये था कि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो ये था कि जो है यहां पे और लोग होंगे जिनको मतलब दिल्ली पुलिस का पेपर देना होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करें और बताएं आपका आंसर क्या आएगा। क्या दिया गया है, वह संख्या क्या होगी जो हमेशा दो अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनफल हो। ठीक है, अब देखो आप एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने 45 लिया, ठीक है इसका उल्टा क्या होगा, 54 यानी कि 54 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप 27 लेंगे, ये आपका 72 आ जाएगा। आप 18 लोगे, अब देखो यहां पर आप कहोगे सबका सम जो है वो क्या कहते हैं 99 ही आ रहा है, क्योंकि इनका अंकों का योग क्या है, 9 है। तो हम लोग एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 34, ठीक है तो ये आपका बनाएगा 43। अब इसी में पहले समझते हैं, ठीक है इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ लिया, इनको ऐड कराओगे, ये आएगा 99, ये भी आएगा 99 और ये आएगा 77। तो क्या पता चला भाई, आपसे यही तो बोला गया था, वह संख्या क्या होगी जो हमेशा दो अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या, इनको पलट दिया गया, स्थान इनका बदल दिया गया, और जो आपको जोड़ मिलता है उसका गुणनफल हो। तो इन सबका गुणनफल आपको क्या दिखाई पड़ रहा, कौन सी संख्या ऐसी है जो सबका गुणनफल है, तो आंसर तो आपका ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11। बट कंसेप्ट एक बार समझिएगा, तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आप संख्या को और संख्या का क्रम बदलोगे, दो अंक की बात हो रही है, अगर आप जोड़ोगे ठीक है, अगर आप इनका योग करेंगे तो ये 11 का गुणनफल आएगा। ठीक है, 11 का कुछ गुणा होगा, और अगर आप इनका डिफरेंस लोगे संख्या और उसके स्थान मतलब उसके अंकों के स्थान को बदलने पर, अगर उनका अंतर आप करोगे तो ये किसका गुणनफल आएगा, भाई ये 9 का गुणा आएगा।
ठीक है, चाहे आप देख लो यहां पे 43 में से 34 घटाओगे 9 आएगा, 72 में से 27 घटाओगे 45 आएगा, 54 में से 45 घटाओगे 9 आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा योग के बारे में तो आपको पता होना चाहिए 11 का गुणनफल होगा। अगर आपसे पूछा जाए अंतर के बारे में तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। क्लियर, क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 25% की दर से मूल्य ह्रास होता है, यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच में 24,000 का अंतर हो तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना होगा, बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। यहां पे क्या बोला गया, प्रतिवर्ष क्या हो रहा, 25%, ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। ठीक है, आप सॉल्व करके सोचिए समझिए और बताइए कि इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये सवाल हमने पहले आपको कराया हुआ है, बेसिक मेथड से कराया कि किस तरह से करना है, आज थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बताऊंगा इस सवाल को बनाने का। ठीक है, यानी कि जल्दी आप ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे जहां पे दूसरे या तीसरे या फिर ऐसा भी दे दिया जा सकता है कि तीसरे और चौथे साल का अंतर दे दिया जाए। ठीक है, और आपसे पैसा पूछ लिया जाए, या फिर मशीन का मूल्य बताकर आपसे तीसरे और चौथे साल के मूल्य का अंतर पूछा जा सकता है। बात समझ रहे हैं, तो कैलकुलेट करके बताइए, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताएं। देखो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, कितने साल का जिक्र किया गया, टोटल 3 वर्ष का जिक्र किया गया है, तो आप क्या करो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/4 आया तो 4 का क्यूब, यानी कि हम मान लेंगे कि उसकी प्राइस कितनी थी, उसकी जो कीमत थी वो हमने मान लिया 64 था, हमने मान लिया अपने साइड से 64 क्यों माना, ताकि जब हम इसका 25% कैलकुलेट करते हुए चलें या फिर कम करते हुए चलें तो संख्या दशमलव में या फिर भिन्न में ना आए। ठीक है, दशमलव में या फिर भिन्न में ना आए। अब इसके आगे आप समझना, देखो क्या होगा, बोला गया 25% का मूल्य ह्रास होता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/4। ठीक है, तो 64 का 1/4 होगा 16, यानी कि 16 की कमी हो जाएगी, ये बचेगा 48, ये दूसरे वर्ष की कीमत हो गई। फिर अगले साल क्या होगा, 1/4 इसका क्या होगा, 12 होगा, 12 की कमी हो जाएगी, कीमत बचेगा कितना, 36। तो ये दूसरे साल की कीमत और ये तीसरे वर्ष की कीमत, आपसे ही तो बोला गया है कि दूसरे और तीसरे के बीच का अंतर बताया गया है, तो इनका डिफरेंस है कितना। हालांकि देखो निकालने की भी जरूरत नहीं, आपने ये निकाल रखा है, 12 है ना, तो इस 12 यूनिट की वैल्यू आपके प्रश्न में 24,000 दी गई है। आपसे पूछ रहे हैं मूल्य इसका क्या था शुरुआत में, तो शुरुआत में क्या रहा होगा भाई, ये 64 ना होकर क्या होगा, 2000 गुना हो जाएगा, तो 64 × 2000 यानी कि 1,28,000 क्या होगा, हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 1,28,000 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, और इसका देखो जो सॉल्यूशन आपको बताया गया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। ठीक है, बताइए क्लियर हो गया, एक बार और बता दे रहा हूं। देखो मान लो 20% दिया गया होता, आपको क्या करना है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, और जो टर्म हर में दिया गया होगा उसका आप क्या करोगे, क्यूब कर लोगे। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे, तो 4 का क्यूब हो गया 64, हमने मान लिया उस मशीन की कीमत 64 थी। अब यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है आपका कि 25% की कमी होती, तो 25% का मतलब 1/4, तो 64 - 16 48 बचा, 48 - 12 यहां पे 12 कैसे, इसका 1/4 कितना हुआ, 12, तो ये आपका 36 आ गया। ठीक है, मिस्टर सुनील सर का लाडला,
गधे। मैंने क्या बताया कि जब दिल्ली पुलिस का मैं कह रहा हूं कि ये दिल्ली पुलिस का पेपर ही है। अब तुम कह रहे हो कि जो है क्या कहते हैं लेवल हाई आता, भाई यही दिल्ली पुलिस का, उसके बाद कोई पेपर नहीं हुआ है। हाँ आपके घर पे कुछ अलग सा आ गया हो, ठीक है 2023 का पेपर आ गया हो, या फिर जो है पिछली बार अलग से आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया रहा हो, तो बात अलग है। इसीलिए तो आपको देखो, आप पता क्या करते हो आप, हमने मतलब पेपर देखा ही नहीं ना, तो मतलब जो भी मतलब स्टूडेंट क्या होता है, जैसे मान लो कोई एसएससी की तैयारी कर रहा, वो पेपर देखेगा नहीं, बस क्या उसको लगता है ऐसा आ रहा। भाई एक बार आप देखो सीएचएसएल का पेपर एक बार देखिए उठाकर। आप क्या करते हो ना, बाई चांस अगर 25 सवाल मान लो आए, ठीक है इसमें से जो एक दो प्रश्न होगा ना, इसी पे ये डिसाइड करते हैं पूरा पेपर। ये एक एक सवाल ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हैं, ठीक है एक एक क्वेश्चन सिंगल सवाल। बताइए। हाँ अनुपात से करने का मतलब क्या होगा ना, देखो अनुपात जब आप लगाओगे वहां पे भी वैल्यू आपको वही मिलेगी। भाई अनुपात में आप क्या करेंगे, आप कहोगे पहले वर्ष 4 से 3 हो गया, दूसरे साल 4 से 3 हो गया, यही तो करोगे। तो यहां पे ये आपका आ जाएगा 16, ये आपका आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 9, तो यहां पे ये आ जाएगा 3। और 3 की वैल्यू क्या दी गई, पिछले सवाल को बता रहा हूं, चलो यह मैं पूरा बता ही देता हूं, ठीक है। जैसे कोई और भी कह रहा था इसका कोई और तरीका, देखो एक तरीका आप ये लगा सकते हो, ठीक है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो पहले साल से दूसरे साल में मशीन की कीमत 4 से 3 हो जाएगी, फिर दूसरे साल से तीसरे साल में ये 4 से 3 हो जाएगी, यानी कि कीमत 16 से हो गई 12 और 12 से हो गई 9, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच में जो अंतर आया वो 3 आया, 3 की वैल्यू दी गई है 24,000, ठीक है तो ये आपका कितना हो गया 8,000 हो गया। तो यहां पे कैलकुलेट कर लो भाई, ये कितना आ जाएगा 16 × 8,000, 16 × 8 कितना हो जाएगा 128, और इसके बाद आप 3 जीरो लगा दीजिए, खत्म। इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो किसका डाउट था, कोई और तरीका है, रवि त्रिपाठी जी बताइए समझ में आया, वो तरीका था उसका, ठीक है। उसके अलावा भी और तरीका है, बट फिर एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही आपने एक्स माना, क्वेश्चन आपका जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव या फिर आप कह सकते हो लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया गया है, इस सवाल में क्या बोला गया, एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 397, 435, 541 को भाग देने पर क्रमशः यहां पे शेषफल बचता है 6, यहां पे शेषफल बचता है 10, और यहां पे शेषफल कितना बचता है 14, यानी कि 14 बचता है। तो इसमें से आप घटाएंगे, आपका 527 आ गया, ये आपका 425 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 391 आ गया, ठीक है। अब देखो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 25 और 9 34 हो गया, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 98 है, ठीक है कितना है 98 है कि नहीं, 425 से, अच्छा 102 है, सॉरी फॉर दैट, ये कितना है 102 है, ठीक है। अब आप ये बताओ 34 और 102 का, इन दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ आप निकाल सकते हो, नो डाउट इनका एचसीएफ 34 आ रहा होगा, बट देखो ये तो विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, तो सम तो एचसीएफ होगा नहीं, यानी कि ये सारी संख्याएं क्या है 17 से डिवाइड हो रही है, तो 34 का आधा कितना हो गया 17। हमने क्या, ये हमने देखो वो वाला तरीका लगाया जो आपको एक जुगाड़ू मेथड पढ़ाया जाता है एचसीएफ में, बताया जाता है कि कैसे डिफरेंस देख के आप एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना होगा तो भाग विधि आप लगाएं, 391 से इसमें भाग लगाओ, फिर आप चेक कराओगे, फिर आपका एचसीएफ 17 आएगा। हमने क्या किया, इन दोनों का अंतर लिया, इन दोनों का अंतर लिया, ठीक है। अब देख रहा हूं कि ये दोनों संख्याएं 34 से डिवाइड हैं, तो एचसीएफ इनका 34 हो सकता है, ठीक है 34 हो सकता है, बट ये तो सम संख्या है ही नहीं, तो 2 हमने हटाया, 17 से आप चाहो तो भाग देकर देख लो, ठीक है। तो बाकी यहां पे आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करा दोगे, तो 3 × 17 हो जाएगा प्लस का 4, तो 51 + 4 यानी कि 55 क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है क्या होगा 55 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, पता ही यहां तक समझ में आ गया।
क्लियर है? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 और 25% छात्रों के अंकों का औसत 31 रहा हो तो शेष छात्रों के अंकों का औसत क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। शेष छात्रों के अंकों का औसत क्या रहा होगा, सॉल्व करके बताएं। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा भाई, ये भी प्रश्न है, इसके पहले वाला भी आया था, ठीक है। तो पेपर जब आप उठाकर देखेंगे, हाँ बस ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो 20 प्रश्न है, उसमें से 7-8 कैलकुलेटिव सवाल आ गए तो पेपर वो क्या हो गया, डिफिकल्ट मान लिया जाएगा। बट ऐसा नहीं कि 20 के 20 प्रश्न ऐसे या फिर कैलकुलेटिव या फिर मेंसुरेशन 3D के दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या बताया गया है, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 रहा हो, 25% का इतना रहा हो शेष छात्र। देखिए हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 थे, तो 100 का 20% यानी कि 20 हो गया, ठीक है। इसका 25% यानी कि 25 हो गया, बच कितना गया 55। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, 5 से इसको डिवाइड कर ले रहे हैं ताकि अनुपात थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 5 से ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 5 से ये 4 आ जाएगा, 5 से ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे बच गया 11। हमें इनका औसत अंक बताया गया है, पूरे समूह का 64 बताया गया है, ठीक है। 20% का 91 बताया गया था, 25% का कितना बताया गया 31। इनका कैलकुलेट करना, x मान लो, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, देख लेते कितना आएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 128 यानी कि 1280 हो गया, ठीक है। ये आपका 364 आ गया, प्लस का 155 आ गया, प्लस का 11x आ गया, ठीक है। तो 11x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1280 में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, 549 हो गया, 6511 के 1 बच गया 1, 3145 हो जाएगा, 519 घटा दीजिए, ये आपका यहां पे बचेगा कितना 61, और 12 में से 5 घटाओगे यानी कि आपका आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 761 में आप 11 से भाग लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका मान क्या होगा, ये 70 से थोड़ा सा कम है, इसकी वैल्यू क्या है, 70 से थोड़ा सा कम है, बट ये देखो 11 की कमी नहीं है, इसका मतलब 68 पॉइंट नहीं, ये लगभग में क्या आएगा, 69 पॉइंट समथिंग आएगा, और हमारे ऑप्शन में 69.1 ही ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। तो डी क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब कोई कहे नहीं हमें तो पूरा भाग लगाना, आप भाग लगा के देख लीजिए भाई, आप डिवाइड करके देख लो, आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अब ये भी जो है, ये भी दिल्ली पुलिस का सवाल है, यहां पे क्या बोला गया, तेल के मूल्य में 20% की कमी से एक व्यक्ति 4500 में 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है, तेल का प्रारंभिक मूल्य प्रति लीटर कितना है, क्या पूछा जा रहा है, तेल का प्रारंभिक मूल्य प्रति लीटर कितना है। तो 20% कमी के कारण यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका 1/5 हो गया, कितना हो गया 1/5 आ गया। अब ये जो एक की कमी हो रही, इस एक यूनिट के कारण ये क्या करता है, 15 लीटर तेल ज्यादा या कम खरीद पा, मतलब यहां पे बोला गया ज्यादा खरीदता है, तो इस 5 यूनिट में वो टोटल कितना खरीद पा रहा होगा, 5 × 15 यानी कि ये टोटल 75 लीटर तेल यहां पे खरीद रहा होगा। एक बार फिर से समझिएगा भाई, आपके सवाल में बोला गया कि उसके रेट में, किसके, तेल के मूल्य में 20% की कमी की गई और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। तो उस एक के कारण क्या हुआ, 15 लीटर तेल अधिक मिला, यानी कि 5
यूनिट की वैल्यू 5 × 15, तो उसे इस समय 75 लीटर तेल मिल रहा है। हमसे क्या पूछा गया है, तेल का प्रारंभिक मूल्य कितना है, यानी कि शुरुआत का मूल्य पूछा गया, स्टार्टिंग का। तो पहले उसको कितना तेल मिलता रहा होगा बताइए। अभी बोला गया 15 लीटर ज्यादा मिलता है, तो पहले उसको 15 लीटर कम मिलता रहा होगा, यानी कि पहले उसको 60 लीटर तेल मिलता था। ठीक है, आपसे देखो कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि शुरुआत में तेल की मात्रा क्या थी, यानी कि शुरुआत में कितना लीटर तेल मिलता था, तो आंसर होता 60 लीटर। बट हमसे क्या पूछा गया है, वहां का रेट पूछा गया है। ठीक है, तो रेट कितना हो जाएगा भाई, 4500 रुपए खर्च होते थे और 60 लीटर तेल मिलता था, तो 1 लीटर तेल की कीमत कितनी आ गई, 6 से आप डिवाइड करोगे, 6×7=42 हो गया, 6×5=30, यानी कि 75 रुपए प्रति लीटर। कितना हो जाएगा, 75 रुपए प्रति लीटर आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। एक वृत्ताकार बाग की परिधि 253 मीटर है, 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे समतल करवाने की लागत क्या होगी, कैलकुलेट करके बताइए। क्या दिया गया है यहां पे, एक वृत्ताकार बाग की परिधि आपको बताई गई है और 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या करना है, उसे समतल करवाने की लागत पूछी जा रही है, कैलकुलेट करके बताएं। सॉल्व करके बताइए। तो यहां पे क्या दिया गया है भाई, बाघ की परिधि बताई गई, तो बाघ का परिधि बताने का मतलब क्या है, इन्होंने वृत्त की आपको परिधि बताई है। ठीक है, बोल दिया ना वृत्ताकार एक बाघ है, ये वृत्ताकार बाघ हो गया, तो बाघ की परिधि क्या होती है, 2πr होता है, यानी कि 2πr की वैल्यू हमारे प्रश्न में कितनी दी गई है, 253, यानी कि 253 बताया गया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां से पहले आप रेडियस कैलकुलेट करोगे, जब रेडियस पता चल जाएगा फिर आप एरिया निकालेंगे, और एरिया में हमें क्या करना होगा, 8 का गुणा कराना होगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या करना है। ठीक है, 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करवाने की लागत है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और रेडियस यहां पे आर आ जाएगा 253, 253 दिया गया है, तो कैलकुलेट करते हैं भाई, 11 से डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे आपका 23 आ जाएगा, देन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23×7/4, आप चाहो तो गुणा करा लो, चाहो तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं उस बाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये आपका आएगा 23×7, इसका 2 बार गुणा होगा 23×7, और यहां पे कितना आ जाएगा, 4×4, क्योंकि इसका हमने वर्ग कराया, ये एरिया आ गया। अब देखो हम क्या करें, हमारे सवाल में क्या बोला गया, 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करवाने की लागत है, यानी कि 8 रुपया खर्च होगा जब आप उसे समतल कराओगे, तो इसमें 8 का जब आप गुणा कराएंगे तो टोटल आपको क्या मिल जाएगा, रेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप 8 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8×2 हो गया 16, ठीक है, यहां पे बचेगा 11 और ये 16 कट गया, 7 से ये आपका 7 डिवाइड हो जाएगा, बाकी को आप मल्टीप्लाई करा दें, ये आपका कितना आ गया 11, और 23 का वर्ग आपको याद होगा 529 हो गया और यहां पर बच गया 7। ठीक है, अब आप देख लो इकाई अंक से क्या ये सवाल बन रहा है, 9×7=63, यानी कि इकाई का अंक 3 आएगा, कितना आएगा, इकाई का अंक 3 आएगा। तो रवि त्रिपाठी सवाल बनाने पर जब ध्यान दोगे ना, तभी ऐसे ही पेपर में देखो कितना भी पढ़ के ये आलसी की तरह तुक्का लगाते हैं। ठीक है भाई, यहीं से आप ये कैसे डिसाइड कर लिए कि 8 का ही मल्टीपल होगा, हो सकता है रेडियस फ्रैक्शन में आ जाए। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा ना, वो कट सकता है, वो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे 8 का मल्टीपल तो आंसर था नहीं, अब तुरंत आंसर चिपका दोगे ऑप्शन नंबर डी बिना सोचे समझे, और इनका ध्यान जो है उस समय सॉल्व करने पर रहा भी नहीं होगा।
तो ये देखो एक्चुअल में जब पेपर में आएगा ना, अगर आपको परिधि बताकर आपसे एरिया कैलकुलेट करवाया जा रहा है तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, और ऐसे केस में तो बिल्कुल होगा जब रेडियस वहां पे फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है, पता चले भाई भाग लगा दोगे दशमलव में आ जाएगी त्रिज्या। नहीं, जो आपका यहां पे आठ था ना, आठ का गुणा हुआ वो कट गया ना भाई, सोलह यहां पे नीचे आया, आठ गुणे दो सोलह से, सोलह कट गया तो आठ तो गायब हो गया। इन्होंने आठ का मल्टीपल कैसे बताया था कि कुछ एरिया आएगा और उसमें आठ का मल्टीप्लाई होगा, बट इन्हें ये नहीं पता था कि जो एरिया आएगा वो फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में आएगा, ठीक है, वो किसमें आया, भिन्न में आया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करके बताइए, तो यहां पे क्या दिया गया है, 17 गेंदों को 840 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य क्या है, क्या पूछा गया है, एक गेंद का लागत मूल्य क्या है। अब देखो यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा, जो आपको लॉस बताया गया है, लॉस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य घटाते हो, लॉस किसके बराबर, पांच गेंद के लागत मूल्य के, यानी कि पांच गेंद का क्रय मूल्य जो है उसके बराबर घाटा हो रहा है। अच्छा, अगर हमने 17 गेंदें बेची हैं, इसका मतलब 17 गेंदें आपने खरीदी भी रही होगी, ठीक है, अगर 17 गेंद बेच रहे हो इसका मतलब क्या है, 17 गेंदें आपने खरीदी भी होंगी। अब सीपी को एक साइड कर दीजिए, यानी कि 12 सीपी इक्वल टू कितना आ गया, 17 एसपी आ गया सेलिंग प्राइस, और बोला गया है कि 17 गेंदों को 840 रुपए में बेचा गया है, कितने रुपए में, 840 रुपए में, यही वैल्यू इसके बराबर है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 12 का भाग लगा दीजिए, तो 840 में जब आप 12 का भाग लगाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 70 रुपए, ठीक है। तो 70 क्या होगा, आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स जब कमजोर है तो क्लास के बीच में फिर बात क्यों करते हो, बताइए। यहां तक क्लियर हो गया, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्या दिया गया, अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपए अधिक मूल्य अंकित करती है, जब वह इसे अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, क्या पूछा जा रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहां पे क्या बोला गया, जब वो क्या करती है, लागत मूल्य से 210 रुपए अधिक अंकित करती है, ठीक है, और उसे 20% का डिस्काउंट देकर बेचती है तो उसे 210% की क्या होती है, हानि होती है। यानी कि हमें क्या करना है, सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो देख लेना है, ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस का 10 आ गया, और ये 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 100 प्लस का 20 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 90:120 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 से आप डिवाइड करोगे, 3:4 कितना आ गया, 4 आ गया भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 210, यानी कि डाटा आपका 210 गुना दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, देखो अब आप कई तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा एक सेकंड, 20% डिस्काउंट देकर बेचता है
तो क्या होता है, उसे 10% की हानि होती है। ये पूरा मामला यहां पे गड़बड़ हो गया है, ठीक है। 20% का डिस्काउंट देता है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 माइनस का 20, और उसे यहां पे भी लॉस होता है तो ये 100 माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये आपका 80 आ जाएगा और ये आपका 90 आ जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य और मार्क प्राइस का अनुपात कितना आ जाएगा, 8:9, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा अंकित किया है, 1 यूनिट ज्यादा अंकित किया है, 1 की वैल्यू कितनी दी गई, 210 दिया गया है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 गुणे 210 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1610। आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 1610 पे आप क्या करेंगे, 10% का लॉस करा दोगे, ठीक है। तो 1610 में से आप क्या करिए भाई, इसका जो 10% आएगा, ठीक है, तो वो आप क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, इसमें गुणा कराओगे आपका 1680 आएगा, कितना आ जाएगा, 1680 आ जाएगा। तो 1680 का आप क्या करेंगे, 10% इसमें से घटा दोगे, ठीक है। तो 1680 का 10% कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो 1512 क्या होगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए बाकी इस सेशन को जो है यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपको एक बार क्लास का मैं टाइम वगैरह बता देता हूं, ठीक है। क्लास की जो टाइमिंग है वो आपकी क्या है, 3 बजे रीजनिंग की क्लास, 4 बजे जीके जीएस और 5 बजे आपकी मैथ की क्लास और 6 बजे स्टैटिक जीके की क्लास है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, अभिनय मैथ्स ऐप पे जो है आपका टेस्ट कराया जा रहा, महामॉक टेस्ट हो रहा संग्राम जिसका नाम है, तो ये 16 जून से 20 जून तक यानी कि कल लास्ट डेट रहने वाली है। इस टेस्ट को सभी लोग दीजिए और यहां पे आपके पास मौका है रैंक फर्स्ट टैबलेट, सेकंड वाले को स्मार्टफोन और तीसरे वाले को स्मार्ट वॉच जीतने का, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत आपको आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ऐप पे बैच लेने में, ठीक है। तो फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट क्लास में। टाइम बदला नहीं, देखो टाइम क्या है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का टाइम है वो यूपी एग्जाम अभिनय मैथ्स पे सुबह के 10 बजे क्लास पहले चलती थी, फिर से वो 10 बजे चलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और जब क्लास चल रहा मतलब क्लास के बीच में आप क्या करते हो, इन सब पे बातें करते हो रवि त्रिपाठी जी, इसीलिए मैथ आपकी बेकार है भाई। लास्ट में या तो बात कर लो या तो शुरुआत में कर लो, चलो ठीक है लास्ट में आपने बोला, लेकिन बीच में भी आप लगातार ही कमेंट कर रहे तो चीजें फिर कैसे समझ में आएंगी, ठीक है। तो बाकी फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।